हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इवनिंग गाउन, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इवनिंग गाउन का जो अपने ऊपर के पेज तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने ब्लैक कलर के फैब्रिक लिया है। जो फैब्रिक है वो रेयन है, जिसके लिए हमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले अपने ब्लाउज़ की लेंथ मेजर करेंगे। ऊपर से हम वहाँ पे स्ट्रैप लगाएंगे, इसलिए ऊपर से 4 इंच का स्ट्रैप छोड़ते हुए मैं मेजर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ताकि अंदर की सिलाई के लिए। वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम उसके ऊपर अपनी कोई भी कुर्ती प्लेस कर लेंगे फिटिंग के लिए। तो कुर्ती प्लेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आर्म होल्स होगा उसे हम सिर्फ 3 इंच का ही लेंगे। तो कुर्ती का 3 इंच के आर्म होल्स पे ही आपको प्लेस करना होगा और वहाँ से आपको उस हिसाब से मार्किंग करनी होगी। तो आर्म होल्स का और साइड के फिटिंग का आप मेजरमेंट ले लीजिए। यहाँ का जो मेजरमेंट है, आप करीबन 1/2 से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मेजरमेंट लीजिए। अब नेक जो है वो मैं डेप्थ रख रही हूँ 2.5 इंच, और उसके बाद 2 इंच का शोल्डर छोड़ते हुए मैं लेंथ की यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। अब इन सभी मार्किंग्स को आपको सिंपली सीजर की मदद से कट कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। कटिंग हो जाने के बाद हम अपना नेक भी यहाँ पे कट कर लेंगे। नेक कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का फैब्रिक मिलेगा। अब इसे आपको शोल्डर पर अटैच नहीं करनी, बल्कि सिर्फ आर्म होल्स को आपको फिनिशिंग देते हुए सिल देना है और साइड को हेम कर देना है। और जो स्ट्रैप मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है नेट की। मैंने ईच 8-8 इंच की स्ट्रैप यूज़ किया। उसको लगाएंगे हम कैसे, पहले दोनों ही साइड इस तरीके से चुन्नटे देते हुए हम सिल लेंगे, उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने साइड की फिटिंग दे दिया है। और जो स्ट्रैप मैंने आपको बताया था कि जिसे हम चुन्नटे देते हुए सबसे पहले सिलेंगे उसके बाद अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हमने चुन्नटे भी दे दिया है स्ट्रैप पे। अब इसे हम अपने शोल्डर एरिया पे अटैच कर लेंगे। दोनों ही स्ट्रैप्स में मैंने इसी तरीके से किया है। इस स्ट्रैप को आपको इस तरीके से अटैच कर लेना होगा। दोनों ही स्ट्रैप्स अटैच हो जाने के बाद हमारा जो ऊपर का ब्लाउज का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लाउज का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे के फ्लो के लिए मैंने सीक्वेंस सा ब्यूटीफुल सा मटेरियल यूज़ किया है, इसलिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपना ब्लाउज लेंगे, सीक्वेंस के मटेरियल को उल्टा रखते हुए ब्लाउज पे रख देंगे और इसे प्लीट्स देते हुए हम ऑल ओवर आगे पीछे इसे अटैच कर लेंगे। और जो साइड की ओपन एरिया होगी उसे भी हम सिल देंगे। ऐसा करने के बाद आपको काफ़ी ही फ्लोई और घेरदार नीचे का फ्लो भी मिल जाएगा और बहुत ही इजीली नीचे का जो फ्लोई हिस्सा है वो अटैच हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो अटैच कर लिया है। और इस तरीके से आपका जो इवनिंग गाउन है मेरा वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। मैंने इसे काफ़ी ही सिंपल रखा है। अगर आप चाहें तो पर्ल्स या डायमंड्स अटैच कर सकते हैं ऊपर के पेटी की तरफ, और आपको अगर इसे सजाना है तो। सो ये मेरे गाउन का फाइनल लुक है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।